कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलने की क्या जरूरत पड़ी? लोकतंत्र में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीडिया होती है, पार्लियामेंट होता है, ये सब रास्ते विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। मीडिया में हमारी बात नहीं कही जाती, पूरा कंट्रोल सरकार का मीडिया पे रहता है। पार्लियामेंट में हम कुछ बोलना चाहे वहां हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, विधानसभा को चलने नहीं दिया जाता है, ऑपोजिशन को अरेस्ट किया जाता है। इसलिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है, जनता के साथ हजारों किलोमीटर चलने का रास्ता, यही विपक्ष के पास आज बचा है। और इस रास्ते पर चलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि इस पे हम नहीं चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आवाज है।